अब तक टचवुड बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है और कल हमने गाना भी लॉन्च किया, हमारा पहला गाना उड़ी, जो मेरा फेवरेट गाना है फिल्म का, इट्स अ लव सॉन्ग। वो फिल्म में, देखिए फिल्म में गाने नहीं है लेकिन गाना हमने लॉन्च किया प्रमोशन के लिए। तो अभी तक टचवुड इट्स बीन फैंटास्टिक और मैं आज बहुत एंग्शियस हूँ। आई थिंक दिस इज व्हाट इट फील्स टू लाइक दिस प्रॉब्ली डेब्यू हो व्हाटएवर आफ्टर वेरी लॉन्ग। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, मुझे लगता है काफ़ी अच्छी फिल्म बनी है और आई थिंक यूजुअली जब आपने अच्छी फिल्म बनाई होती है तो फिर आपको गर्व होता है प्रमोट करने के दौरान और यू नो इट फील्स रियली नाइस एंड आई एम सो हैप्पी कि प्रोड्यूसर्स लाइक जार आर मेकिंग फिल्म्स लाइक दिस जहाँ मुझ जैसे एक्टर को अपॉर्चुनिटी मिलता है। एंड मैं क्वाइट एक्साइटेड हूँ कि हमारी इंडस्ट्री के लोग, आज प्रीमियर है, हमारी इंडस्ट्री के लोग कैसे इसको डाइजेस्ट करते हैं, उनको कैसे लगती है फिल्म। आई एम कॉन्फिडेंट दे विल लाइक इट। ये फिल्म जब बनना शुरू हुआ था तब मुझे पता चला था, क्योंकि जो डायरेक्टर है शंकर रमन वो मेरे सीनियर FTIS, मैं जानती हूँ उनको बहुत अच्छे से, बहुत सारे दोस्त थे इसमें, आशीष वर्मा, अक्षय, सो आई वॉज वेरी वेरी एक्साइटेड। जो स्क्रिप्ट थे उसके बारे में थोड़ा सा मुझे पता था तो बहुत ही बहुत एक्साइटेड थी मैं। ये फिल्म मैं प्रे कर रही थी, होप कर रही थी कि जल्दी से बने और एक अच्छा रिलीज मिले और वो हो रहा है आज, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी फॉर माई फ्रेंड्स सीरियसली। तो वही है कि थोड़े नर्वस हैं, डरे हैं कि जो प्रोमो ने उम्मीदें बढ़ा दी है तो उस उम्मीद पे हम खरे उतर पाते हैं कि नहीं फिल्म में, तो उसका थोड़ा डर है, थोड़ी नर्वसनेस है। नेक्स्ट मूवी तो भावेश जोशी है, तो उसके अलावा तो और कुछ भी नहीं, मतलब उस पर तो काम कर रहा हूँ मैं और काम करता रहूँगा मैं उस पर। जी मैंने ट्रेलर देखा और मुझे बहुत पसंद आया, इट्स एन अमेजिंग क्या बोलते हैं, ये फिल्म में परफॉर्मेंसेज मेरे को लग रहा है बहुत अच्छी होने वाली हैं। इसके ट्रेलर में काफ़ी इनसाइट दिखा था इस फिल्म के बारे में, तो आई एम रियली एक्सपेक्टिंग अ लॉट आउट ऑफ द फिल्म एंड होपफुली फिल्म देखते वक्त उतना ही एक्साइटमेंट रहेगा मेरे को भी।